मेरा नाम विशेष है और मैं करोलबाग से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक हूँ। पिछले 6 साल से करोलबाग की जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी देश जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और परफेक्ट बनता है वो वहाँ के लोगों के योगदान से, उनकी सहभागिता से। तो अगर आपको लगता है कि हमारे देश में समस्याएं हैं, दिक्कत है, तो उनको सबसे पहले हल करने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, अपना सहयोग देना पड़ेगा। इंग्लिश में एक लाइन है कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो फिर आप खुद समस्या हैं। तो अगर सच में आपको लगता है कि ईमानदारी से आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, ठीक हो, तो आपको आगे आना पड़ेगा। और आगे आना ही सिर्फ जो है उस से बात नहीं बनेगी, आपको दूसरे प्रोफेशंस के साथ जो है राजनीति के प्रोफेशन को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारी पैदाइश यहीं की है, दिल्ली की है। पिताजी का नाम श्री केसी रवि जी है और माताजी श्रीमती शशि रवि जी। हम लोग 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी सिस्टर हैं जिनका नाम गरिमा है, उनके बाद छोटे भाई हैं उनसे जो उनका नाम चकित है, उसके बाद उनसे छोटे हम खुद हैं, फिर एक छोटे भाई हैं जिनका नाम अंकित है और उसके बाद एक सिस्टर छोटी हैं उनका नाम सुक्ता है। प्राथमिक शिक्षा हमारी मसूरी के एक हॉस्टल से हुई है, इसका नाम मसूरी पब्लिक स्कूल है। उसके बाद मिडिल और हाई दिल्ली से ही हुई है। सब कुछ ही माता पिता जी का दिया हुआ है। हम जो भी हैं, जिस भी लायक हैं और जिस भी स्थान पे हैं, वो सब कुछ माता पिता की शिक्षा, उनके आदर्श, उनकी रीति नीति, उनकी कार्यशैली, उठ बैठ बोल चाल, वो सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है। और आज जिस भी मुकाम पे हैं सब उन्हीं के आशीर्वाद से। माता जी से केयर करना सीखा हमने, चिंता करना सीखा, अपनों से लगाव और प्यार प्रेम, वो माता जी से सीखा। शादी हमारी 2017 में ही हुई है। हमारे पिताजी की एक संस्था है जिसमें लगभग 15 वर्ष से हम गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं। 17 में हमारा विवाह भी गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह में ही हुआ था। और जो धर्मपत्नी जी हैं उनका नाम प्रीति है, प्रीति रवि, और वो एक टीचर हैं और साउथ दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाते हैं बच्चों को। क्योंकि पिताजी काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं और आज तक कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान ही घर में वो वातावरण मिला, सामाजिक वातावरण मिला घर के अंदर ही। संस्था के माध्यम से लगभग 15 वर्ष पहले ही हमने काम करना शुरू कर दिया था। संस्था के जो काम है जिसमें गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह होता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाना, दूसरे जो और समस्याएं लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, प्रशासन से हैं, किसी और विभाग से हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखना, तो घर में वातावरण मिलने की वजह से लगभग 15-16 साल से ही सामाजिक काम में रुचि बन गई थी। और
उसके बाद जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, तो वहाँ जाना शुरू किया हमने, और वहीं से उसके बाद आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ, तो फिर हालात ऐसे बने, चुनाव के लिए लड़ने का मौका मिला। पहले 2013 में चुनाव जीत के आए, जनता ने जिताया, और उसके बाद 15 में दोबारा जीत के आए। चुनाव लड़ने का जहाँ तक बात है, ये है कि सामाजिक काम करते हुए ये अपना ऐसा महसूस हुआ कि सामाजिक काम करते वक्त एक सीमित दायरे में हम काम कर पा रहे थे, लेकिन उसे करते करते ऐसा लगता था कि राजनीति का जो दायरा है वो एक बड़ा दायरा है। अगर आपको सेवा करनी है, लोगों के हित के लिए काम करना है, संघर्ष करना है, तो ये एक बड़ा दायरा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जब पार्टी बनी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी में गठन किया, तो क्योंकि उनकी विचारधारा से हम बहुत ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी विचारधारा है और जो आज भी है, तो इसीलिए उस नाते जुड़ना हुआ। और उसके बाद जब पार्टी की तरफ से आग्रह हुआ, तो फिर चुनाव लड़ा। पिताजी कॉलेज से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, वो प्रेसिडेंट थे अपने कॉलेज के, सलमान कॉलेज हुआ करता था उस समय, और वहीं से फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला उनको, काउंसलर का काउंसलर वो जीत के आए, और उसके बाद से वह सक्रिय थे राजनीति के अंदर। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने सक्रियता छोड़ के राजनीति से सामाजिक कामों में सक्रियता अपनी बढ़ाई, और लगभग 10 साल से वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे, और उसी दौरान हमारा भी रुझान बना और हम भी उनके यहाँ जुड़ गए काम करते हुए, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का आना हुआ, और उसके बाद हमारा चुनाव लड़ने का हुआ। काम तो वैसे बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन करोलबाग से या करोलबाग को दूर से देखने में है लगता है करोलबाग जो है काफ़ी विकसित है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मार्केट और जो मुख्य बाज़ारों को देख के ऐसा लगता है, लेकिन करोलबाग का जो अंदरूनी क्षेत्र है वो बहुत, वहाँ पर जो है बुनियादी जो है कामों की ज़रूरत थी। तो पहले 5 साल तो हमने उसी पे फोकस किया, जिसके अंदर सीवर है, पानी है, सड़क है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, इन चीज़ों को फोकस करके हमने पिछले 4 साल में प्रयास किया उनको ठीक करने का। अब आने वाले समय के अंदर जब दोबारा मौका मिलेगा, तो जब करोलबाग की जो दूसरी और समस्याएं हैं जो बड़े स्केल पर लोग जानते हैं, जैसे पार्किंग की है या और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके अंदर मार्केट का विस्तार है, वो हम समस्याओं को हल करने का विचार आने वाले समय में रहेगा। CCTV कैमरा सरकार की तरफ से लगाए ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर लगभग 2000 कैमरे लग रहे हैं। इसके अलावा 3 नए स्कूल हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, 3 का काम चल रहा है 3 नए स्कूलों का। 3 पुराने स्कूलों में हमने नर्सरी में इंग्लिश मीडियम नर्सरी शुरू करवाई है, ये एक बड़ा काम हुआ। और एक हमारे यहाँ जो अस्पताल था उसको हमने पॉलीक्लिनिक के रूप में बनवाया है, हमारे यहाँ 3 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, वो चल रहे हैं, 10 मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, वो एक सुविधा बड़ी सर यहाँ के करोलबाग के लोगों को मिलने वाली है। दूसरा जो हमने बड़ा मेजर काम किया है वो ये है कि जिस यूजिया प्लांट से करोलबाग को पानी मिलता है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये 24 जून को मुख्यमंत्री जी ने चंद्रावर प्लांट का शिलान्यास किया है इसको अपग्रेड करने के लिए, और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट को जायका कंपनी, जिसने दिल्ली में मेट्रो का काम किया है, वो कंपनी इस काम को कर रही है, और इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद करोलबाग और पहाड़गंज के अंदर 24 घंटे पानी आएगा। जैसे लोग बटन दबाते हैं और लाइट आती है, वैसे ही लोग जब बटन दबाएंगे उस समय उनके नलकों में पानी आएगा। आगे के लिए अभी तो यही है कि करोलबाग के अंदर अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो करोलबाग में हमारा ये मन था कि यहाँ कुछ और नए स्कूल, इंग्लिश मीडियम जो नर्सरी से शुरू हो, वो स्कूल बनाया जाए। एक करोलबाग के आसपास कोई अस्पताल नहीं है, कोई बड़ा अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पर
इमरजेंसी भी, ट्रॉमा सेंटर भी और दूसरी सुविधाएं हों, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और एक जगह हमने देखी है, वहाँ पर आने वाले साल के अंदर अगर दोबारा मौका मिलेगा विधायक बनने का, तो हम उसको पूरा करा के लोहरबाग के लिए एक नया अस्पताल, 300-400 बेड का अस्पताल बनाने का प्लान है। पार्टी का जहाँ तक भविष्य की बात है, तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है। दिल्ली में पहली बारी ऐसी कोई पार्टी आई है जिसने 5 साल में वो काम किए हैं जो पिछली 50 साल में सरकारों ने नहीं किए थे। सबसे बड़ा फ़र्क आम आदमी पार्टी के आने से जो लोगों ने महसूस किया है, जो लोग बोलते हैं, वो ये है कि विधायकों का उपलब्ध रहना, विधायकों का आम जनता के बीच में रहना, उनसे मिलना, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आम आदमी पार्टी के आने से आया है। प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी हैं, उनको हमने देखा है काम करते हुए, उनको हम देखते हैं काम करते हुए, कैसे वो सब कुछ अपना दाव पे लगा कर लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो वो प्रेरणा वहीं से है, वो जज्बा वहीं से आया है, वो भाव और जो भावनाएं हैं लोक हित में काम करने की, वो सब वहीं से है। देखिए, बाबा साहब का वैसे तो पूरा उनका जीवन ही जो है वो प्रेरणा लायक दायक है, लेकिन जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया वो शिक्षा के महत्व का है। उन्होंने हर जनमानस को ये बताने का प्रयास किया कि बिना शिक्षा के आप समाज में कहीं भी किसी तरह से अपनी लड़ाई नहीं ले सकते। आप कोशिश यही करते हैं कि जब चुनौतियां सामने हो तो धैर्य रखें, संयम सहनशीलता रखते हुए उनका हल करने का प्रयास करें। और दूसरा, साथ में ये भी हमारा प्रयास रहता है कि जब चुनौतियां आती हैं या मुश्किल समय आता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पिताजी इस समय इस यहाँ होते तो इस चुनौती का वो सामना कैसे करते, वो कैसे रिजेक्ट करते। तो वो करने से भी हमें बहुत सहायता मिल जाती है और बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। राजनीति के अलावा पिक्चर्स देखना है, गाने सुनना है, मोटरसाइकिल चलाना, बुलेट चलाने का शौक़ है। बुलेट पे यहाँ दिल्ली से लद्दाख भी एक बार गए हम दोस्तों के साथ। उसके अलावा कभी किसी समय में जब राजनीति के अंदर आने का नहीं बना हुआ था, तो उस समय आरजे बनने का भी इच्छा थी कि आरजे बन के जो है रेडियो जॉकी बन के काम करके देखा जाए। इसके अलावा परिवार के साथ और खाली समय अपने लिए बिताने का, शांति में समय बिताने का अच्छा लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो अंदाज़ था वो मैं सुनाता था शुरुआत से, जिस तरह से उनका बोलने का अंदाज़ था और सभी चाहे पक्ष हैं विपक्ष के लोग हैं उनको साथ लेके चलने का जो उनका तरीका था वो बहुत इम्प्रेस करता था। तो हम भी प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 3 काउंसलर हैं, तीनों दूसरी पार्टी के हैं, तो हम भी पूरी कोशिश रहती है कि उनको सहयोग पूरा दें और सहयोग लेके काम करें पब्लिक का। पूजा पाठ पे काफ़ी विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि परमात्मा से वो ऊर्जा वो शक्ति मिलती है जिसमें पूजा करने के बाद, उनसे उनके सामने प्रार्थना करने के बाद ऐसा मन के अंदर विश्वास एक परमात्मा से मिलता है कि अगर एक बार आपने पूजा कर ली परमात्मा से, परमात्मा के आगे प्रार्थना कर दी, तो उसके बाद आपकी समस्या और उनकी समस्या हो जाती है। विधायक बनने से पहले काफ़ी सारी संस्थाओं में जुड़े हुए थे और उसमें से एक जमघट नाम की संस्था है जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करती है। उनका काम बच्चों को नाटक और स्टेज और स्ट्रीट प्ले के माध्यम से उन बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करना और फिर उनको शेल्टर होम में रख के उनके लिए व्यवस्था करने का था। साथ साथ उसमें हम बच्चों को रिस्टोर भी करते थे। कुछ बच्चे जो अपने घर से, गाँव से, देहात से, दूर से, किसी शहर से, परिवार से नाराज़ होकर या ऐसी किसी के साथ ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ गए और यहाँ आके वो रेलवे स्टेशन पे अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करके उनको ट्रेन के माध्यम से ही वापस उनके घर पे जाके छोड़ना, ये भी संस्था के माध्यम से काम किया। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से काम किया। अभी भी जब समय मिलता है तो प्रयास रहता है कि संस्थाओं को सहयोग किया जाए। सुबह 7:30 के आसपास उठने का रहता है समय, उसके बाद
चाय स्नान वगैरह करके 9:30 के आसपास पब्लिक से मिलने का, 9:30-10 के बीच में पब्लिक से मिलने का रहता है। 1 बजे तक जहाँ भी जिस ऑफिस में वो रहते हैं वहाँ बैठते हैं, उसके बाद लंच करने के बाद फिर किसी क्रिया में या किसी और मीटिंग में या कहीं सचिवालय जाना है, विधानसभा जाना है, या कोई पार्टी का कुछ प्रोग्राम है, या किसी और फंक्शन में जाना है, या एरिया में विजिट करना है, वो सब कुछ रहता है। और वो करके शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक घर पे लौटने का रहता है। फिर उसके बाद कहीं किसी की बर्थडे में, किसी शादी में या किसी और कार्यक्रम में जाना है, फिर तैयार होकर दोबारा पहुँचना होता है। पिताजी का रहा पितर है, डेली सुबह की चाय जो है उन्हीं के साथ होती है, और उस समय में ही जितनी भी जहाँ भी ऐसा लगता है कि अटक रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, या कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो सुबह डेली यही रूटीन रहता है, वहाँ उसको चर्चा में लाकर दिशा लेने का प्रयास करते हैं। टर्निंग पॉइंट तो इसी को कहेंगे, जब चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसके बाद जीवन बहुत बदल गया, जिम्मेदारी भी आ गई है और बहुत व्यस्त जीवन भी हो गया साथ में। घूमने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा जगह गए तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ मौका मिलता है तो चले जाते हैं। अभी परिवार के साथ जिम कॉर्बेट गए थे, जब कभी ऐसे समय बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो जाते हैं। धार्मिक स्थल तो काफ़ी गए हैं, और अभी तीर्थ यात्रा योजना सरकार ने इशू की है हमारी, उसके माध्यम से भी हम अमृतसर अभी वो क्या आए थे, पहली ट्रेन जो गई थी हमारी, उसमें अमृतसर गुरुद्वारा, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, इन जगहों पर वो क्या आए थे। और इसके अलावा भी पुरी के दर्शन किए हुए, पुरी के मंदिर के दर्शन किए हुए, अजमेर शरीफ के दर्शन किए हुए, दरगाह के दर्शन किए हुए, वैष्णो देवी, करौली वाली माता, लगभग जो सभी हमारे आसपास जितने धार्मिक स्थल हैं उन सब पर गए। सपोर्ट रहता है, शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन अभी बहुत सपोर्ट उनका रहता है, बिना सपोर्ट के तो चलना ही बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल रहती है समय, क्योंकि उनको भी चाहिए, परिवार को भी समय चाहिए। आमतौर पे जो ट्रेंड रहता है राजनीति में आने का लोगों का, वो 60 साल के बाद का रहता है, तब तक उनकी शादी छोड़ी, उनके बच्चों की शादी भी हो चुकी होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ने ट्रेंड चेंज किया है, जब हम विधायक बने तो उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, तो विधायक रहते रहते शादी हुई, तो शादी होने के बाद जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं, उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, और वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं, उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि उनके हस्बैंड समय दें उनके साथ, वो भी जो है आम लोगों की तरह शाम को चाट पकौड़ी खाने जाए, शॉपिंग करने जाएं, हमारे साथ घूमने जाएं, वो सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट है, पूरा वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जीवों को जन्म दिया है, लेकिन मानव जीवन जो है सबसे उत्तम जीवन है, और उत्तम जीवन इसलिए है कि मानव के पास दिमाग है, और दिमाग के साथ उसको काम करने की शक्ति भगवान ने दी है। तो यूँ तो हजारों लोग रोजाना जीते हैं, मरते हैं, लेकिन जीवन सार्थक अगर आपको अपना करना है तो उसको सेवा में लगाना होगा। सेवा ही आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बुजुर्ग जो हैं, जो पूर्वज हैं, उन सबका मान सम्मान और उन सबका जीवन सार्थक जो है आपके सेवा करने से हो जाता है। तो जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए तो वो सेवा होना चाहिए। बेटे भी जो हैं वो छोटे हैं, 1.5 साल अभी उन्होंने पार किया है, और नाम उनका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ अभी, और अभी वो 1.5 साल का ऐसे बच्चा होता है शैतान, वो बिल्कुल वैसे ही है, और अभी वो माँ को पापी बोलते हैं। उनके आने से घर में अलग रौनक है, उनके आने से घर में माहौल जो है पूरा बदला है, उनके आने से सारे रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्व है बेटे का जीवन में आने से। राजनीति में भी आए, राजनीति में सेवा के भाव से आए,
और प्रयास करें काम करने का, और मौका मिले तो चुनाव भी लड़ें, और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद सही मायने में लोगों की सेवा भी करें। माता पिता से भी हम यही कहेंगे और बच्चों से भी, नौजवानों से भी कहेंगे कि वो कोशिश करें राजनीति में आने की। राजनीति सबसे ज़्यादा अगर अच्छे लोगों की ज़रूरत है तो आज इसी जगह में है, राजनीति में ही है, किसी और प्रोफेशन से ज़्यादा सबसे और सबसे कम कॉम्पिटिशन की जगह भी यही है अच्छे लोगों के लिए। तो राजनीति के में आएँ, यहाँ पर प्रयास करें, अपना योगदान दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भी विधायक बने, आप भी MP बने, आप भी मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और जो सपना आपके मन के अंदर है देश के लिए, देश के अच्छे भविष्य के लिए, उसको आप साकार कर पाएं।